स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो जैसा कि आप प्रोग्राम में देख रहे हैं कि आपको क्या करना है कि इनपुट करना है बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, यानी कि आपको एक एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी इनपुट करनी है बाय द यूज़र या थ्रू द कीबोर्ड हम लोग कह सकते हैं, है ना। यानी कि आपको स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करना होगा, ठीक है। और हिज डियरनेस अलाउंस, यानी कि आपको एक अलाउंसेस दे रहा है इस 30% ऑफ बेसिक सैलरी। जो डियरनेस अलाउंस है वो आपको 30% है बेसिक सैलरी की, ठीक है। और दूसरा अलाउंस क्या दे रहा है ये, एंड हाउस रेंट अलाउंस जो कि एचआरए है वो कितना दे रहा है कि 10% है बेसिक सैलरी का, ठीक है। यानी कि आपको उसकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है। आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट हिज ग्रॉस सैलरी, ठीक है। तो आपको फाइनली उसकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो वो ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, तो देखिए इसमें आपको क्या चीज़ दी है, इनपुट कराना है आपको बेसिक सैलरी, यानी कि ये आपकी ग्रॉस सैलरी में आपकी बेसिक सैलरी ऐड होगी प्लस डियरनेस अलाउंस ऐड हो जाएगा 30%, और जो आपको एचआरए मिल रहा है 10% वो ऐड होगा। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो वो आपकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रोग्राम। तो जैसा कि हम लोग पता है कि हमने हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, जो कि प्रिंट एफ और स्कैनर फंक्शन के लिए यूज़ करी जाएगी। फिर आपकी दूसरी हेडर फाइल हो जाएगी आपकी इंक्लूड हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है। ये आपकी हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच हेडर फाइल हो जाएगी, जो कि आपको ज़रूरत पड़ती है क्लियर स्क्रीन फंक्शन के लिए और गेट सी एच फंक्शन के लिए, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो हम लोग यहाँ पर एज यूजुअल मेन फंक्शन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये मेन फंक्शन का स्टार्टिंग बॉडी हो गई, और सपोज ये आपकी क्लोजिंग ब्रेसेस हो गई, ठीक है। ये ओपनिंग ब्रेसेस हो गया, ये आपका क्लोजिंग ब्रेसेस हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमें प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम की पहली लाइन को पढ़ा कि इनपुट बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय बाय द यूज़र, यानी कि यहाँ से हमें एक पॉइंट मिलता है कि हमें बेसिक सैलरी इनपुट करनी है, ठीक है। तो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा बेसिक सैलरी के लिए, जो हमारा एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी इनपुट करने के काम आएगा, ठीक है। तो चलिए हमने सपोज़ यहाँ पर इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पर हमने बेसिक सैलरी BS कर दें या BSAL कर लें, जो भी आपको मन करे वो कर सकते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल तो हमारा ये बन गया जो हमारा बेसिक सैलरी के लिए काम आएगा, इनपुट करना होगा। फिर हमारा दूसरा कह रहा है हिज डियरनेस अलाउंस इज 30% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। तो जो बेसिक सैलरी हम लोग इनपुट करेंगे उसका 30% जो हो जाएगा वो हमारा डियरनेस अलाउंस हो जाएगा। तो हम दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं DA, ठीक है। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, एंड हाउस रेंट अलाउंस इज 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। अब जो हम बेसिक सैलरी इनपुट करेंगे उसका जो 10% होगा वो हमारा बन जाएगा हाउस रेंट अलाउंस। तो हम लोग यहाँ पर इसको HRA एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। फिर फाइनली अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट हिज ग्रॉस सैलरी, ठीक है। तो हमें उसकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो हमने यहाँ पर GSAL कर लिया ग्रॉस सैलरी के लिए वेरिएबल। इन चार वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो वो हमने चार वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, और जैसा कि आप जानते हैं कि सी प्रोग्राम में हमें जितने भी वेरिएबल्स यूज़ करने होते हैं उनको हम लोग स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर देते हैं। फिर यहाँ पर हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ कर लिया, ताकि जो भी हमारा प्रीवियस आउटपुट हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम यूज़र को एक मैसेज दे देते हैं कि यूज़र को करना क्या है। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि इनपुट बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय बाय द यूज़र, तो अब हमें यूज़र को बता दें कि यूज़र को करना क्या है। तो हमने यहाँ पर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट दे दिया, और यहाँ पर एक उसको मैसेज दे दिया, एंटर बेसिक सैलरी। तो अब यूज़र को ये पता चल जाएगा कि उसको करना क्या है, ठीक है। ये हो गया। फिर अब हमें ये तो एक सिंपल सा मैसेज है, ये तो मैसेज के लिए काम करेगा, लेकिन हमें इनपुट देने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, वो है आपका स्कैनफ। तो आपने स्कैनफ फंक्शन का यूज़ कर लिया, ठीक है। अब आप किस डेटा टाइप की वैल्यू इनपुट कराना जा रहे हैं, इंटीजर टाइप की, क्योंकि बेसिक सैलरी DA HRA सब कैसे हैं इंटीजर टाइप के, और लेकिन आपको इनपुट किस में कराना है, बेसिक सैलरी में, जो कि आपका इंटीजर टाइप का है। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर %D, ठीक है, आपने ये यूज़ कर लिया। फिर आपने जो भी आप इनपुट दे रहे हैं कीबोर्ड से वो कहाँ पर स्टोर कराना चाहते हैं, बेसिक सैलरी वाले वेरिएबल में, ठीक है। तो यानी कि बेसिक सैलरी का अपना कोई एड्रेस होगा, ठीक है, यानी कि उस एड्रेस पर स्टोर कराना चाहते हैं, तो एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, एम%,
बी एस ए एल जो भी वेरिएबल का नाम होगा वो लिख देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब आप जो भी इनपुट देंगे वो आपका बेसिक सैलरी के एड्रेस पर जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इतना हो गया। अब हमारा यहाँ से काम स्टार्ट होता है कि हमें क्या क्या कंडीशन दी गई हैं, कि हमारा डीए कैसे कैलकुलेट होगा, एचआरए कैसे कैलकुलेट होगा और ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट होगा। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर हमारा जो डीए है वो हमारा बेसिक सैलरी का 30% है, तो हमने यहाँ पर बी एस ए एल बेसिक सैलरी जो हमने इनपुट कराई वो लिख लिया, ठीक है, वेरिएबल जो लिया था, और इसका हमें 30% करना है। तो यहाँ पर हम 30 और देखिए परसेंट नहीं करेंगे, ठीक है। परसेंट ऑपरेटर जो होता है वो आपका मॉडुलस का काम करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 100 करना होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा हमने देखा कि एचआरए हमारा क्या है, एचआरए जो है वो बेसिक सैलरी का 10% है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, फिर से वही बी एस ए एल लिख लिया, ठीक है, जो वेरिएबल हमने लिया था। अब कि यहाँ पर हमने 10% कर दिया, ठीक है, ये आपका 10% हो गया। अच्छा, फिर हमें फाइनली क्या करना है, ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो ग्रॉस सैलरी जो हमारी जी एस ए एल ग्रॉस सैलरी जो हो जाएगी वो हमारी बेसिक सैलरी प्लस डी ए प्लस एच आर ए, ये सब जुड़ के बन जाएगा, ठीक है। फिर हम ग्रॉस सैलरी को प्रिंट करा ले रहे हैं, पी आर आई एन टी एफ प्रिंट एफ, क्योंकि ग्रॉस सैलरी भी कैसी है आपकी, इंटीजर टाइप की। तो हम लोग थोड़ा मैसेज देना चाहें तो यहाँ पर मैसेज भी दे सकते हैं, ग्रॉस सैलरी इज, ठीक है, परसेंट ही यूज़ करो, कॉमा करके जिस वेरिएबल में आपने स्टोर कराई ग्रॉस सैलरी उस वेरिएबल का नाम लिख दिया, सेमी कॉलन लगा दिया और गेट सी एच लगा देते हैं ताकि आपको आउटपुट रन टाइम पे ही मिल जाए। तो चलिए आपको फिर से समझा देते हैं पूरा प्रोग्राम। आपको जैसा कि पता है कि आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी ही पड़ती है, क्यों, क्योंकि आपको प्रिंट एफ फंक्शन इनपुट आउटपुट फंक्शन का यूज़ करना ही होगा, ठीक है। फिर आपकी एक ऑप्शनल हेडर फाइल है जो कि कोनियो डॉट एच, जिसका यूज़ आप करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि आपको क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ कर सकें और गेट सी एच फंक्शन का यूज़ कर सकें, है ना। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। फिर आपको जैसा कि पता है कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है, और उसके आगे वॉइड लगाने का मतलब है कि ये प्रोग्राम आफ्टर एग्जीक्यूशन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है। और क्योंकि हमें पता है कि रिटर्न किसको करेगा, यानी कि सिस्टम, यानी कि मेन फंक्शन जो होता है वो कंपाइलर द्वारा कॉल किया जाता है, सिस्टम द्वारा कॉल किया जाता है, तो ये सिस्टम को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर कभी कभी आपने देखा होगा इंट मेन लिखा रहता है तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखा रहता है रिटर्न 0 रिटर्न 1 इस तरीके से, है ना। तो आपको यहाँ पर वॉइड मेन कर दिया, यानी कि ये प्रोग्राम आपका कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा आफ्टर एग्जीक्यूशन, ठीक है। अच्छा, फिर आपने चार वेरिएबल्स लिए हैं जो सबको इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है, बेसिक सैलरी हो गया, डीए हो गया, एचआरए हो गया, ग्रॉस सैलरी हो गया। आपने क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ किया है ताकि आपका जो प्रीवियस आउटपुट आया हो कंसोल स्क्रीन पर वो पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर आपने यूज़र को एक सिंपल सा मैसेज दे दिया कि यूज़र को करना क्या है, कि एंटर करना है बेसिक सैलरी। फिर आपने बैकस्लैश एन लगा दिया ताकि इनपुट आपसे नेक्स्ट लाइन में मांगे, ठीक है। फिर आपने स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ किया, आपको पता है कि हमें एक ही इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करानी है, तो आपने परसेंट डी लिख लिया, ठीक है, और कहाँ पर वो स्टोर हो जाए, कि बेसिक सैलरी के एड्रेस पर जाकर स्टोर हो जाए, ठीक है। अच्छा, फिर आपने जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था कि डीए जो है वो बेसिक सैलरी का 30% है, ठीक है, तो आपने क्या करा कि बेसिक सैलरी लिखा और इनटू करा 30/100 कर दिया, ठीक है। ध्यान रखिए परसेंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि परसेंट यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर की तरह काम करता है, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट था वो एचआरए कैलकुलेट करना था। एचआरए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया था वो बेसिक सैलरी का 10% था, तो आपने फिर से बेसिक सैलरी वाला वेरिएबल उठाया और इनटू 10/100 कर दिया, तो एचआरए जो होगा वो आपका बेसिक सैलरी का 10% कैलकुलेट हो जाएगा। फिर फाइनली आपको ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी थी, जो कि आपकी तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद मिलेगी, यानी कि बेसिक सैलरी हो गई, डीए हो गई, एचआरए हो गई, और भी आपके अलाउंसेस हो सकते थे जो कि आप इसी तरीके से ऐड करके उसकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर सकते थे। फिर फाइनली जब आपकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हो गई तो आपने उसको यूज़र को दिखा दिया कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी हुई है, तो आपने फिर से प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख दिया और उसमें एक छोटा सा मैसेज दे दिया ग्रॉस सैलरी इज़, फिर परसेंट डी करके आपने ग्रॉस सैलरी को प्रिंट करा दिया। फिर गेट सी एच फंक्शन का यूज़ कर लिया ताकि आपको दोबारा से आउटपुट देखने के लिए ऑल्ट एफ5 ना करना पड़े, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एग्जीक्यूशन। कंट्रोल F9 किया, तो जैसे ही आपने कंट्रोल F9 किया, ये आपसे इनपुट मांग रहा है बेसिक सैलरी। तो सपोज़ आपने बेसिक सैलरी दे दी इसमें 1000, ठीक है, तो 1000, तो देखिए आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई, 1400।
अब कैसे आई वो देख लेते हैं। देखिए आपने सैलरी इनपुट करी 1000, ठीक है, 1000 इंटू 30% कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, 1000 का 30% आपका 300 हो जाएगा, ठीक है, तो हो गई आपकी 300 हो गई आपकी डीए, ठीक है। यहाँ पर हमने ग्रॉस सैलरी जो इनपुट करी है वो हमने इनपुट करी है आपकी 1000, ठीक है, ये आपने इनपुट कर दी इसमें 1000। और यहाँ पर जो आपका कैलकुलेट होके आया है डीए, जो डीए कैलकुलेट होके आएगा 30% वो कितना हो जाएगा 300, ठीक है। अच्छा ये जो आपका एचआरए है वो आपका कितना आ जाएगा 100, है ना, 10% आपका हो गया 100, ठीक है। तो अब जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1400, ये आपका 1400 जो कि आपको रिजल्ट मिल रहा है। ऑल्ट फाइव करके आप फिर से देख सकते हैं तो ये 1400 आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको और बता दें, अब जरा हम फिर से कंट्रोल F9 करते हैं और इस बार हम बेसिक सैलरी इनपुट करते हैं 2000, तो देखिए अब कितना आ गया 2145। क्या ऐसा होगा आप खुद सोचिए, जब आपने सैलरी यहाँ पर 2000 इनपुट करी, ठीक है, और जब 2000 का 30% करेंगे तो कितना आएगा आपको 600 आएगा, 600, ठीक है। और उसका 10% करेंगे, 2000 का 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, ठीक है। तो अब आपको रिजल्ट कितना मिलना चाहिए था 2800 मिलना चाहिए था, ठीक है, जबकि आपको मिल क्या रहा है, जबकि आपको मिल रहा है 2145। तो क्या ऐसी गलती हो रही है जो आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। देखिए हम आपको एक चीज़ बता दें, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एक्सप्रेशन होती है वो किस तरीके से कैलकुलेट होती है वो हम आपको आज बता रहे हैं फिर से। देखिए यहाँ पर जब आपने बेसिक सैलरी इनपुट करी थी 1000, ठीक है, तो 1000 इंटू 30 करेंगे तो हो जाएगा 30000, ठीक है, और 30000 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 300, ठीक है। अच्छा कैसे कैलकुलेट हुआ, तो सबसे पहले जो ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं वो आपके मॉडुलस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद प्लस माइनस होता है, सबसे लास्ट में आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पर क्योंकि आपके प्लस माइनस तो आए नहीं है, यहाँ पर आपका जो ऑपरेटर्स आए हैं वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आए हैं, ठीक है। अच्छा जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डिवीज़न होते हैं और मॉडुलस ऑपरेटर होते हैं वो सेम प्रेसिडेंस के होते हैं, और अगर यहाँ पर प्लस माइनस आया होता तो वो इनके बाद में ही होता, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब सेम प्रेसिडेंस के आते हैं, यानी कि जैसा कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आ गया, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो है वो सेम प्रेसिडेंस के हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें पहले कौन सा परफॉर्म होगा वो कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए इसका तरीका क्या है कि जो इक्वल के नियरेस्ट है, ठीक है, वो पहले परफॉर्म होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इक्वल के नियरेस्ट क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, देन आपका डिवीज़न परफॉर्म होगा, ठीक है, सेम इसमें हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो अब क्या प्रॉब्लम इसमें आई और इसमें क्यों नहीं आई, देखिए था आपने जब सैलरी इनपुट करी थी 1000, ठीक है, अच्छा उसमें जब 30 का मल्टीप्लाई करा तो वो हो गया 30000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और फिर आपने डिवाइडेड बाई 100 कर दिया तो हो गया 300, ठीक। अच्छा फिर ऐसे ही आपने एचआरए में जब कैलकुलेट करा तो आपका बेसिक सैलरी थी आपकी 1000 में 10 का मल्टीप्लाई करा तो हो गया 10000 को 100 से डिवाइड किया तो आपका हो गया 100, ठीक है, फिर फाइनली आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। अच्छा तो फिर ऐसा यहाँ क्या हुआ, देखिए अब क्या हुआ, जब आपने सैलरी इनपुट करी 2000, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ 2000 इंटू 30, तो 2000 इंटू 30 हो गया वो आपका 60000, ठीक है, 60000, जबकि इंटीजर की जो रेंज होती है वो होती है आपकी -32768 to 32767 तक, ठीक है। अगर इसके बाहर कहीं कुछ होता है तो वो फिर से नेगेटिव में चली जाती है वैल्यू, समझ रहे हैं।
तो जब 60,000 हो जाएगी तो आप समझ रहे हैं कि फिर से वो निगेटिव में चली जाएगी, तो इस तरीके से वो आपका रिज़ल्ट गलत आ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि रिज़ल्ट हमारा गलत ना हो, जबकि वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 600, और जबकि हमारा रिज़ल्ट इंटरमीडिएट गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती तब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि आप इसको फ्लोट मान लें, ठीक है, ताकि आप उस चीज़ों से बच सकते हैं। और नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि वो इंटरमीडिएट रिज़ल्ट कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 0.0 कर दें। ठीक है, अब कहेंगे इससे क्या होगा? देखिए, इससे होगा क्या, आपको बता दें कि जब कोई इंटीजर किसी फ्लोट टाइप की वैल्यू से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट जो वैल्यू होती है वो आपकी फ्लोट में आ जाती है, यानी कि इंटीजर इंटू फ्लोट फ्लोट हो जाएगी। ठीक है, फिर फ्लोट को डिवाइड कर रहे हैं इंटीजर से तो भी आपकी फ्लोट होगी, यानी कि अगर एक भी आपने फ्लोट ले आए तो वो आपकी फ्लोट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, आप चाहें तो इसको भी 0.0 करके कर सकते थे। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हमें पहले मल्टीप्लिकेशन ही प्रॉब्लम कर रहा है तो वो चीज़ हमें ज़रूर ध्यान रखनी है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, 0.0। ठीक है, अब क्या होगा, बेसिक सैलरी को 30.0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो वो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होगा वो फ्लोट में आ जाएगा, उसको वो 100 से डिवाइड कर देगा तो 300.00 समथिंग जो भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो हमारा या 600.00 समथिंग वैल्यू आ जाएगी जब आप 2000 इनपुट करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। ठीक है, इसी तरीके से सेम यहाँ पर हो जाएगा। और फाइनली क्या होगा, जो डीए है, जो एचआरए है, वो है तो इंटीजर, तो वो डेसिमल के बाद का जो भी रिजल्ट होगा उसको इग्नोर कर देगा। फिर फाइनली आप ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए, अब फिर से हम इसको रन कर रहे हैं और अब आउटपुट हम 2000 के लिए चेक करते हैं, 2000 कितना आ गया, 2800। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको कि आपको कैसे प्रिकॉशन रखने हैं कि आपका रिजल्ट गलत ना आए, क्योंकि जैसे ही आपकी वैल्यू, चाहे वो इंटरमीडिएट हो चाहे वो फाइनल वैल्यू हो, अगर वो इस रेंज से बाहर चली गई तो आपका रिजल्ट जो है वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये खास ख्याल रखेंगे। अच्छा, या फिर आप सीधे सीधे यहाँ पर क्या कर सकते थे, फ्लोट में ले सकते थे। ठीक है, फ्लोट में ले लेंगे तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, उस केस में क्या होगा, ये ऑलरेडी जब बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो फ्लोट में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, अच्छा, फिर आपको बस यहाँ पर एक चेंज करना होगा, यहाँ पर परसेंट एफ का यूज़ करना होगा। ठीक है, क्योंकि पहले हमारी वैल्यू थी वो इंटीजर थी, उसके लिए हम लोगों ने परसेंट डी यूज़ करा था, अब जो हमारी वैल्यू है वो फ्लोट टाइप की हो गई, इसलिए हमने यहाँ पर परसेंट एफ का यूज़ करा, और ग्रॉस सैलरी भी हमारी कैसी है, फ्लोट टाइप की, तो हम यहाँ पर परसेंट एफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एफ नाइन किया। अब सपोज हमने यहाँ पर 2000 की वैल्यू दे दी, तो देखिए कितना आ गया, 2800.00000, ये 6 डिजिट तक प्रिसीजन देता है। ठीक है, तो आपको रिजल्ट इस तरीके से मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि 6 डिजिट तक नहीं चाहते थे तो आप यहाँ पर कर सकते थे 0.2f। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि डेसिमल के 2 places तक रिजल्ट देगा। चलिए दिखा देते हैं आपको, सपोज़ आपने 2500 इनपुट कर लीजिए, उस केस में देखिए आपको क्या आ गया, 3500.00। तो इस तरीके से आपको जितने भी डेसिमल प्लेसेस तक रिजल्ट चाहिए होगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।